नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो प्रश्न रिपीट करते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों, इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको आसान ट्रिक भी बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इस टाइप के प्रश्न कभी भी आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। अगला संख्या कहां बताना है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है ना, यहीं पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। दोस्तों, सीरीज से रिलेटेड, श्रृंखला से रिलेटेड कभी भी प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, पहले श्रृंखला को देखेंगे, श्रृंखला आगे कैसे चल रही है। ठीक है, तो देखिए यहां 2 है, फिर 10 है, 40 है, 120 है, 240 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे बताना है। तो श्रृंखला को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो श्रृंखला क्या हो रही है दोस्तों, क्रमशः बढ़ते हुए जा रही है। तो बढ़ते हुए जा रही है तो कैसे बढ़ रही है, मल्टीपल में बढ़ रही है, गुणन के रूप में बढ़ रही है। 2 के बाद क्या है, 10 है, यानी कि 2 गुणे क्या है दोस्तों, 5, 2 पच्चे 10 होता है, फिर 10 के बाद 40 है, यानी कि गुणे क्या है दोस्तों, 4 है, 10 चौको 40, और 40 के बाद दोस्तों 120 है, गुणे 3 कर देंगे तो क्या कर देंगे, 40 दिया क्या होता है 120, गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे बढ़ रहा है दोस्तों, गुणे 5, गुणे 4, गुणे 3, यानी क्या हो रहा है, गुणे में धीरे धीरे घट रहा है लेकिन आगे संख्याएं बढ़ रही है। ठीक है, तो गुणे 3 हो गया तो उसके बाद क्या होगा, गुणे 2, गुणे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 120 दुना का 240 दिया है, गुणे 2 हो गया, फिर आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणे 1। अब बताइए 240 में हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 240 ही होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे यहां पे कौन सी संख्या होगी दोस्तों, 240 हो जाएगा। 240 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बार और समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके लिए आपको पेन भी नहीं उठाना है, क्या किया है दोस्तों, बस देखिए 2 पच्चे 10 किया, फिर क्या किया है, 10 चौको 40 कर दिया, यानी 4 बार कर दिया, फिर 40 दिया 120, 3 कर दिया है, 3 बार गुणा किया, फिर उसके बाद से 2 गुणा कर दिया है, 120 गुना का 240, यहाँ क्या हुआ है, गुणे 2 हुआ है, फिर क्या होगा दोस्तों, गुणे 1 होगा, 1 से गुणा कर देंगे 240 में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 240 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न आपके परीक्षा में कभी भी आएगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाए वाला प्रश्न है। देखिएगा, प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। गलत संख्या आपको बताना है, ये आपको सीरीज दिख रहा है ना, इसी में आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। और गलत संख्या से रिलेटेड प्रश्न आए तो क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला में क्या हो रहा है, संख्याएं बढ़ रही है कि घट रही है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, 2 है, 5 है, 11 है, 24 है, 47 है, 95 है, 191 है, 383 है, यानी इस श्रृंखला में भी संख्याएं क्रमशः बढ़ रही हैं। अब बढ़ रही हैं तो अब देखेंगे किस तरह से बढ़ रही हैं। 2 के बाद क्या है दोस्तों, 5 है, 5 के बाद 11 है, यानी ये भी संख्याएं क्या है दोस्तों, गुणे के रूप में, मल्टीपल के रूप में बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ी हैं तो इसे भी हम देखिए दोस्तों बता रहे हैं, 2 के बाद 5 है, अगर जो दोस्तों 2 गुणे 2 प्लस 1, यानी देखिएगा समझिएगा, सही यही चीज है। देखिए, 2 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दुना का 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, ऐसे दिया है। फिर 5 के बाद क्या है दोस्तों, 11 है, तो 5 गुणे 2 प्लस 1 सब में कर क्या रहा है दोस्तों, 2 गुणे 2 प्लस 1, 5 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, और 11 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब 11 के बाद क्या होगा दोस्तों, 11 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दुना का 22, 1 23 क्या होगा आगे दोस्तों, 23 होगा, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों, 24 दिया है। ठीक है, अगर जो यहाँ 23 रहता तब देखते आगे सीरीज क्या हो रहा है, आपको गलत संख्या बताना है। तो 23 गुने 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 23 दुना 46, 1 47, यहाँ 47 दिया हो, 47 गुने 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 47 दुना का होता है दोस्तों 94, 94 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 95, यहाँ पे भी सही है, 95 गुने 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 95 दुना के 190, 190 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 191 दिया हुआ है। अब 191 गुने 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 191 दुना दोस्तों होता है 382, और 382 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 383, यहां तक सही है। कहां पे गलत आपको दिखा है दोस्तों,
गलत है, यहाँ 24 की जगह दिखाए 11, दुना के 22 प्लस एक 23 होगा, लेकिन यहाँ क्या दे दिया है 24। यही संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक बार और समझिएगा, देखिए 2 दुना के 4 1 5, 5 दुना के 10 1 11, 11 दुना 22 1 23, यहाँ होना क्या चाहिए दोस्तों 23 होना चाहिए, लेकिन दिया है 24, तो यही संख्या क्या हो जाएगी, गलत। आगे आप देखें तो 23 दुना के 46 1 47 भी है, 47 दुना के 94 1 95 भी है, यानी सीरीज आपका सही चल रही है, लेकिन यही बीच में संख्या गलत है 24। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी दोस्तों 3 गुना करके +1 करता है, 4 गुना करके +1 करता है, तो इस टाइप के प्रश्न आए तो आप थोड़ा सा दोस्तों बस आगे से 2-4 संख्या देख ले या पीछे से 2-4 संख्या देखेंगे तभी आपको तुरंत आंसर दिख जाएगा। आप 1-2 संख्या बस सीरीज में आगे बढ़ गए तुरंत आपको आंसर दिखने लगता है। तो इस टाइप के प्रश्न आए तो आप थोड़ा सा सोचेंगे तुरंत आपको आंसर दिखने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा में कभी भी पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता है, आप कोई सा भी दोस्तों एग्जाम देंगे ना तो ये इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को देखिएगा बिना पेन उठाए कैसे सेकेंडों में बताया जाता है आंसर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ समझते हुए चलिएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा दोस्तों इसमें शब्द दिया गया है, सरकमटेंसेस दिया है, सरकमटेंसेस दिया है ना। अब ये शब्द दिया गया है, अब इसमें दोस्तों जो जो अक्षर है, देखिएगा इस प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न एक बार देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता। अब सरकमटेंसेस में दोस्तों कौन कौन से अक्षर है, सी है, आई है, आर है, सी है, यू, एम, एस, टी, ए, एम, सी, ई, एस, ये है ना अक्षर है इतने। अब आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन 4 ऑप्शनों में से कौन से सरकमटेंसेस के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। पहला लेते हैं, पहला दोस्तों क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कौन कौन सा अक्षर है, डी है, आई है, एस है, ऐसे है ना। अब देखेंगे सरकमटेंसेस में कहीं आपको डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यही अक्षर यानी यही शब्द है डिस्टेंस जो सरकमटेंसेस से नहीं बनाया जा सकता। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि आपको सरकमटेंसेस में कहीं पर भी डी नहीं दिख रहा है। अगर जो आगे वाला बात करें दोस्तों अस्टेंस की बात करें, अस्टेंस में क्या है, यस है, टी है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे यस है, टी है, फिर क्या है, ए है, ए भी है, यन भी है, यहाँ पे सी ई, सी भी है, ई भी है, यानी अस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो अस्टेंस बनाया जा सकता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों, म्यूजिक है, यम है, अब यम आपको दिख रहा है, यम यहाँ पे दिख रहा है, यू है, यू आपको दिख रहा है, यू भी दिख रहा है, यस है, यस भी दिख रहा है, आई है, आपको आई भी देखिए दोस्तों, आई भी यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद सी है, तो सी भी आपको दिख रहा है, सी कई जगह है, ठीक है, यानी सी भी दिख रहा है। तो म्यूजिक क्या है दोस्तों, म्यूजिक एक ऐसा शब्द है ये बनाया जा सकता है, अस्टेंस भी बनाया जा सकता है। और सर्कस में दोस्तों देखिए, सर्कस में क्या है, सी है, आई है, आर है, तो आप देखिए यहाँ देखिए सी है, आई है, आर है, फिर क्या है दोस्तों, सी है, तो सी यहाँ पे भी है, उसके बाद यू है, यू भी है, उसके बाद यस है, तो यस देखेंगे दोस्तों, यस भी है, यानी सर्कस में जो जो अक्षर है वो भी सरकमटेंसेस में मौजूद है। तो ये भी क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सी डी बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए एक ऐसा दोस्तों ये शब्द है डिस्टेंस, ये नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, डिस्टेंस में दोस्तों डी दिख रहा है लेकिन सरकमटेंसेस में आपको कहीं पर भी डी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है ना अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो डिस्टेंस नहीं बनाया जा सकता। और इसको दोस्तों जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप एक बार सरकमटेंसेस के दोस्तों अक्षरों को ध्यान से देख लेंगे कौन कौन से अक्षर। अब तुरंत आप जब पढ़ेंगे कौन कौन से इसमें अक्षर है, डिस्टेंस आपने देखा, डिस्टेंस में क्या है दोस्तों, डिस्टेंस में डी है, डी से स्टार्ट, और सरकमटेंसेस में आपको दिख रहा है कहीं पे भी डी नहीं है, तो इसका आंसर तुरंत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों आप ऐसे ही देख के आंसर दे लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी दोस्तों आपके प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले बताओ दोस्तों आपके लिए पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी ई बुक आई दोस्तों। दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, बहुत ही अच्छी ई बुक है, आपके आगामी कोई भी परीक्षा होगी दोस्तों, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे, SSC की एग्जाम देंगे या अदर दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ई बुक है दोस्तों। इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में रिपीट करते हैं दोस्तों। इस ई बुक में 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा
सॉरी वन लाइन एसेट दोस्तों, कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत 150 रुपये रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र 25 रुपये में मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहाँ सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उस लिंक के थ्रू दोस्तों आप इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों, पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ, उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों परीक्षा पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिसिंग नंबर से, और यह भी प्रश्न दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न देखिए कह रहा है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर कहाँ पे है। दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। दोस्तों आपको पहले भी बताया हूँ मिसिंग नंबर के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें बड़ा संख्या आपको कहाँ दिख रहा है, बड़ा संख्या देखिए दोस्तों 21 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है, यानी कि 21-25 जब इधर दिख रहा है बड़ा संख्या, तो प्रश्न को हम ऐसे सोचते हैं, ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही सॉल्व होता है, यानी प्रश्न को ऐसे सोचेंगे, यानी 8-3 को क्या करें कि 21 आ जाए। अगर जो बड़ा संख्या दोस्तों यहाँ दिखने लगे, यहाँ नीचे दिखने लगे, तो प्रश्न को हम ऐसे सोचते हैं 8 और 6 को हम क्या करें, 8 और 6 को क्या करें कि 12 आ जाए, ठीक है, प्रश्न को ऐसे सोचते हैं, और 3 और 5 को क्या करें कि 2 आ जाए, ठीक है। अगर जो नीचे बड़ा दिखे तब ऐसे सोचेंगे, और जब साइड में बड़ा दिखे तो क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न को हम ऐसे सोचेंगे, यानी इस साइड से ऐसे, यानी 8 और 3 को क्या करेंगे दोस्तों, 21 आ जाए, ठीक है। अब क्या हो गया दोस्तों, प्रश्न आपको सिंपल लगने लगा होगा, क्या आपको पता हो गया होगा ज्यादातर प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों अगर हम 8 और 3 की बात करें दोस्तों, 8 और 3 को आप क्या करें कि 21 हो जाए। अगर दोस्तों 8 × 3 बोले, 8 × 3 कहे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 × 3 = 24 होता है, क्या होता है 24 होता है। और 24 में से दोस्तों ये जो 3 है ना, या ये जो 3 आपको दिख रहा है, यही 3 घटा देंगे, 24 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा, और 21 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यही प्रक्रिया देखेंगे क्या दूसरे वाले के साथ करने पर आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं। 6 × 5 क्या करेंगे दोस्तों, 6 × 5 6×5 दोस्तों क्या होता है 30 होता है, और 30 में से क्या करेंगे ये 5 घटा देंगे, ये जब 5 घट जाएगा 30 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा, और 25 आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो यही प्रक्रिया क्या करेंगे लास्ट वाले के साथ भी करेंगे। तो लास्ट वाले के साथ करेंगे 12 और 2 के साथ करेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों 12 × 2 12 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 24 12 × 2 क्या होगा दोस्तों 24 हो जाएगा, और 24 में से ये क्या करेंगे 2 घटा देंगे, जब ये 24 में से दोस्तों आप 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 22 आ जाएगा। यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी दोस्तों प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बार और समझिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ओरल कर सकते हैं बिना पेन उठाए। 8 × 3 करेंगे, 8 × 3 = 24, 24 में से 3 घटा दिए तो आ गया 21। 6×5 दोस्तों क्या होता है, 6×5 दोस्तों होता है 30, 30 में से 5 घटा लेंगे हो गया 25। 12 × 2 दोस्तों क्या होता है, 12 × 2 = 24, 24 में से 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या हो जाएगा दोस्तों 22। 22 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो गया सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और इस प्रश्न को आप सोचे कैसे सॉल्व करना है, जब दोस्तों आपको साइड में बड़ी संख्या दिख रही हो तो ऐसे सॉल्व करना है, नीचे दोस्तों बड़ी संख्या अगर जो दिखने लगी तो प्रश्न को ऐसे सोचना है। तो इस टाइप के अगर जो सोचेंगे दोस्तों इस टाइप से, तो प्रश्न का आंसर जल्दी से आप दे लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों प्रश्न कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है। वेन डायग्राम बनाना है, कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, पक्षी, मछली, मुर्गी, इन्हीं का क्या करना है दोस्तों वेन डायग्राम। दोस्तों वेन डायग्राम के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं पहले भी बता चुका हूं, और अब फिर से बता रहा हूं कि वेन डायग्राम में जो दोस्तों शब्द दिए गए हैं जिनका बताना हो कि वेन डायग्राम बनाना हो, तो पहले हम देखते हैं उन शब्दों में एक दूसरे से, वो जो शब्द दिए गए हैं वो एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं,
एक दूसरे से कैसे संबंधित है, बस ये चीज आप अगर जो सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वेन डायग्राम का प्रश्न आपके लिए दोस्तों क्या हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है। तो इसमें सोचना क्या है, समझना क्या है, समझिएगा, पक्षी मछली मुर्गी, इनको देखना है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। पक्षी है, मछली है, मुर्गी है, तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो ये जो पक्षी है, मुर्गी है, ये एक तरह की है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों पक्षी के अंतर्गत मुर्गी आती है, तो पक्षी का एक सर्कल बना लेंगे ऐसे, इसके अंदर दोस्तों क्या हो जाएगी, मुर्गी हो जाएगी, समझिएगा। ये दोस्तों जो पक्षी है ना, पक्षी के अंतर्गत मुर्गी आती है, पक्षी के अंतर्गत कबूतर भी आता है, तोता भी आता है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, पक्षी के अंतर्गत आते हैं, मुर्गी भी आती है, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आती है, पक्षी के अंतर्गत। तो ये मुर्गी दोस्तों किसके अंतर्गत, एक पक्षी का ये सर्कल है, इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुर्गी हो जाएगा। और ये मछली क्या है दोस्तों, मछली एक जलीय जीव है, ना ये पक्षी है ना ये मुर्गी है, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये पक्षी के सर्कल से अलग हो जाएगा, यानी इसका फिगर कहां चला जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, ऐसे बनेगा। अब देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में आपको वेन डायग्राम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी दोस्तों प्रश्न आएगा तो आपके परीक्षा में आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर जो दोस्तों आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे दोस्तों मैं समय समय पे वीडियो भी प्रोवाइड कराता रहता हूं और सारे वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों मैथ में अगर आप वीक है, तो मैथ दोस्तों बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो उसका भी दूसरे चैनल का दोस्तों लिंक नीचे है, उस चैनल पर भी जाकर दोस्तों आप मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और दोस्तों आपको ये सब प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक वाला सिंबल नीचे ऐसे बना होगा वहां पे प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर वाला दोस्तों सिंबल नीचे इसी टाइप से बना होगा यहां पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास है स्टडी ग्रुप उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं या जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, नीचे दोस्तों रेड कलर का स्टेप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, वहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों, और बगल में दोस्तों वेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन वेल आइकन है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।